Good afternoon, students. Today I am going to start this Excel. This topic is very very important. आप लोगों को बता दूं, ये दो units में आपका Excel है और weightage is 30 marks. इसीलिए इससे पता लग जाता है कि इस Excel software का कितना ज़्यादा हमारे को करना है, क्योंकि 30 marks का मतलब almost paper का 40% के करीब है. आई थिंक पासिंग मार्क्स 75 में से 30 मार्क्स चाहिए होते हैं. और यू विल सरप्राइज टू नो ओनली एक्सेल, सिर्फ एक एक्सेल ही एक ऐसा है जिसको कर लेने से भी आपका 30 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशंस की जहाँ तक बात करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हम लोग बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं विल डू ऑन एक्सेल. देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स नेमली एज लोन एंड लीज अकाउंटिंग, और इसके साथ साथ हमारा है पेरोल अकाउंटिंग, इसके साथ साथ हमारा डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू कवर इन दिस एक्सेल प्रोग्राम, एक्सेल सॉफ्टवेयर. इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें एक्सेल में आपको बताने की चीज़ ज़रूरी हैं. और साथ ही साथ बच्चों, आपको स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान भी रखना है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे. अनटिल अनलेस इफ यू विल नॉट डू एनी प्रैक्टिस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, यू वॉन्ट एबल टू give right answers. Let me explain with one of examples. आप लोगों के साथ एक छोटा सा example share करता हूँ. Excel में हमारे पास row और columns की format में data होता है. Rows हमारी slanting होती है, columns हमारे straight होते हैं. जैसे कि हमारे घरों में आपका घर का structure है, आपके घर के ऊपर lintel बनाया जाता है, तो वो columns के ऊपर बनाया जाता है. तो अक्सर बच्चों को गलती होती है कि row और column किस तरह से है. तो आपको ये example से हमेशा याद रहेगा क्या हमारा घर का जो नींव है, नींव के बाद जो पिलर्स बनाए जाते हैं, दोज पिलर्स आर नथिंग बट कॉल्ड कॉलम्स. तो ये वो हमेशा कॉलम्स होते हैं. तो कॉलम्स का आप, अगर हमें कॉलम्स पता लग गए तो दूसरा ऑप्शन रो का ही रहता है. बच्चों ये एग्जांपल हमेशा लाइफ में याद रहेगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे रो और कॉलम्स क्या है. इसी के साथ साथ डेटा की एंट्री किस तरह से होती है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना. साथ ही साथ हम डेटा की एंट्री के साथ साथ हम डेटा को यूज किस तरह से कर सकते हैं. देर आर थ्री डिफरेंट मैथड्स. आप एब्सोल्यूट डेटा यूज कर सकते हैं, आप सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं, आप तीसरा फॉर्मूला में उसको यूज कर सकते हैं. एब्सोल्यूट डेटा के केस में आप डेटा को सीधा यूज कर रहे हैं, सेल रेफरेंस के केस में आप सीधा सेल्स को डाल रहे हैं, और फंक्शंस जिसकी हम बात करते हैं वहां पर आप एब्सोल्यूट डेटा और सेल रेफरेंस दोनों को यूज कर सकते हैं. मैंने अक्सर क्लासेस में ये बताया है बच्चों को कि आप जब भी किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की बात करते हैं, प्रोसेस का मतलब यहाँ पर बच्चों, स्टूडेंट्स, ये है कि आपको किसी भी तरह का डेटा मिला है, उस डेटा को आपने, जब उस डेटा पे आपने काम करना है, उस काम करने को प्रोसेस बोला जाता है. एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको, जहां पर मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू और सेल रेफरेंस. मैं एग्जांपल आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहा हूं. लेट्स से मेरे पास कुछ रोल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, और उन बच्चों के लिए लेट्स से सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए, ध्यान रखिए आप, 9 10. मैंने ये सीधा सीधा भी टाइप करा, एक एक के को पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा. मैं इसको दूसरे ढंग से भी कर सकता हूँ. What I can do, I can simply use this option. मैं ये दोनों के दोनों सेल को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, माई स्टाइल ऑफ द कर्सर विल गेट चेंज. देखिए ये प्लस साइन छोटा हो गया, और मैं जैसे ही इसको ड्रैग करूंगा, जितने सेल्स तक इसको ड्रैग करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सेल के रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक और दो के बीच में जो डिफरेंस था वो एक डिजिट का था, एक नंबर का था. अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं तो इट बिकम्स लाइक दिस. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी करता हूं. लेट्स से मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 2 और यहाँ लिखना चाहता हूँ 4. अब मैं इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो वट विल बी दिस नंबर 6, then 8, then 10. अब दो दो के गैप में ये जनरेट करेगा. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल. एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे. और मैं आपको ये बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये एक्सेल को करने का
आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सेल जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस, ये चार तरह की कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में है और इनके अंदर सब कैलकुलेशंस है। सब कैलकुलेशंस का मतलब सब फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज अ इनबिल्ट प्रोग्राम, फंक्शन एक इनबिल्ट प्रोग्राम है। इनबिल्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वर्ड क्या है इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल से इसको कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को या छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जोड़कर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम क्या चीज है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक प्रोग्राम में लिखते हैं तो दैट बिकम्स वन प्रोग्राम। तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, मैं हर बार नया वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने सॉफ्टवेयर की बात की तो बोला सेट ऑफ प्रोग्राम्स, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट कमांड्स, इंस्ट्रक्शन कमांड्स होती है। बड़े बड़े प्रोग्रामर्स जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी अलग एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वो अलग अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में उस बड़े सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। अब ये बड़े प्रोग्राम्स के बारे में बताया, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। What is instruction? Instruction is command. हर instruction को command कहा जाता है। जितनी commands हम किसी program में लगाते हैं, वो उतनी तरह से process को करेगा। तो हर एक जो lowest level है, वो है command. Command is the lowest level. Command से ही program बनता है। Commands को जोड़ते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक प्रोग्राम बना देता है। इसी तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर बना देता है। अब यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए मुझे रेलवे रिजर्वेशन का देखना है, तो रेलवे रिजर्वेशन में सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ रिजर्वेशन कराना है तो रिजर्वेशन का अलग प्रोग्राम है। मुझे कैंसिलेशन कराना है, देन कैंसिलेशन विल बी अ डिफरेंट प्रोग्राम। मुझे सिर्फ इंक्वायरी करनी है कि ये ट्रेन कितने बजे जाती है, कौन सी जगह, क्या फेयर है, उसमें सीट्स अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल हैं, उसका अलग है। या फिर अलग से मुझे देखना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मुझे उसको हटवाना है, कैंसिल कराना है, उसके लिए अलग प्रोग्राम। तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं अलग अलग तरह की, उन सबको जोड़ के एक सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ पर भी जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम शुरू हुए थे एग्जैक्टली, तो फंक्शन इज इनबिल्ट प्रोग्राम। हर फंक्शन का नाम इस तरह से दिया हुआ है ताकि ये पता लग जाए कि ये किस तरह के काम करने के काम आ रहा है। जैसे कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, सम, सम का फंक्शन है, तो सम के नाम से ही आपके आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सम बोला है तो इसका मतलब कुछ जोड़ने से ही है, राइट? इसी तरह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए है, या इसी तरह आपको बोला गया कि हमने कंडीशन बोली इफ, अगर इफ है तो कोई कंडीशन से रिलेटेड है। इस तरह बहुत सारे हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके नाम से ही ये पता लग जाता है ये फंक्शन किस तरह के काम करने के काम आ रहा है। ये हमारा प्रोसेस में रहेगा। आपके फंक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में एक क्वेश्चन लगभग 10 मार्क्स का जरूर आएगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि फंक्शन क्या है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस फंक्शन में क्या सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब यह है कि इस फंक्शन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं जो रिजल्ट दे सके। जैसे कि अभी आज मैं आपको एक फंक्शन करा के भी दिखाऊंगा कि ये फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है। इससे पहले एक्सेल में छोटी छोटी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि आप इसको कर रहे हैं एक्सेल, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आज एक छोटा शुरू एग्जाम्पल दिया कि हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर सीरीज, आप किसी भी सीरीज को खुद बना सकते हैं। जैसे 1, 2, मैंने सिर्फ 1 और 2 ही टाइप किया था, उसके बाद मैंने उसको सीरीज को स्ट्रेच किया, आई गॉट अप टू 10 नंबर्स। मुझे 10 तो ये छोटा था, आपको थाउजेंड्स में करने हैं, 50s में करने हैं, 100s में करने हैं, आप जितना मर्जी स्ट्रेच कीजिए, यू विल फाइंड ए सीरीज। दो नंबर्स मिल गए, उन दोनों का गैप पता लग गया कि इन दोनों के बीच में एक नंबर का गैप है, नाउ यू कैन फाइंड ए सीरीज, आपको वो सीरीज भी पता लग जाती है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है, हमें ये लगता है कि हमें एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, हम इसको कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा जहाँ पर हमें एक्सेल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक्सेल के लिमिटेशंस का मतलब ये है कि जिस तरह से हम एग्जैक्टली चाहते हैं एक्सेल का आंसर वैसा एग्जैक्टली नहीं होता है, उससे मिलता जुलता होता है, हमें उसमें थोड़ी परमोटेशन कॉम्बिनेशंस को ऐड करना पड़ता है ताकि हम एग्जैक्ट आंसर को ले सकें। ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और वो एक्सेल के फीचर्स हैं जिनको हम यूज करेंगे ताकि हमें अप्रोप्रिएट आंसर मिल सके। बच्चों एक चीज और यहाँ पर बताने की जरूरत है आप सबको, वो ये है स्टूडेंट्स आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सेल में सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे परमोटेशन कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं जिनसे हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको मेल मर्ज कराया था, मेल मर्ज में क्या कराया था, आई हैड मेड अ टेबल, मैंने एक टेबल बनाया था, मैंने आपको तब भी बताया था आप टेबल चाहे वर्ड में बना लीजिए, चाहे आप टेबल एक्सेल में बना लीजिए, चाहे आप टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बना लीजिए, कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप टेबल बना लीजिए, यू कैन मर्ज दैट डेटा विद वर्ड डॉक्यूमेंट। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को में भी आप फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं और उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेल मर्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मेल मर्ज के स्टेप्स क्या हैं, मेल मर्ज क्या है, किस तरह से काम आता है, ये आपका यूनिट नंबर वर्ड में था, वर्ड प्रोसेसिंग जो हमारा था यूनिट नंबर वन, वहां पर मेल मर्ज है और मेल मर्ज का आपको अच्छे से स्टेप्स पता होने चाहिए। यहाँ पर जो आज हम एक्सेल कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग शुरू कर रहे थे, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट कि ये किस तरह से काम करता है। कुछ छोटी छोटी चीजें बताना इसमें जरूरी है जिनको हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बात कर रहे थे एंटरिंग ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से एंटर किया जाता है, मैंने आपको बताया था रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है डेटा, दिस इज वन सेल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं जिसको कर्सर से हिला रहा हूँ, दिस इज सेल, ये डिफरेंट सेल्स हैं जहाँ रो और कॉलम्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, दैट बिकम सेल। अब ये सेल की एक लिमिटेशन है, इसका एक डेटा है, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दिस सेल और डिक्रीज द साइज ऑफ दिस सेल। इसके लिए हमारे पास एक अलग से कमांड भी होती है, सपोज हमें ये बहुत सारे सेल्स हैं, हम इनका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट में जाके इनकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 15 होता है, बट आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपने देखा होगा टेबल्स कहीं हो कि बहुत अच्छी होती हैं और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें बहुत सिंपल है इंक्रीज या डिक्रीज करने का, वो कॉलम्स में है। अब यहाँ कॉलम से कितना मर्जी कॉलम को इंक्रीज या डिक्रीज कर दीजिए, इसी तरह रोज को आप बट ये आपकी रोज तभी या कॉलम्स तभी इंक्रीज डिक्रीज होता है जब आपको सिंगल हैंड मतलब आपको एक एक करके करना पड़ता है, लेकिन आप पूरा का पूरा एक स्ट्रेच में करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कमांड में जाएं, वहां रो और कॉलम की हाइट को आप एक बार इंक्रीज या डिक्रीज विद अ सिंगल कमांड करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके काम आता है, इसीलिए मैंने इस कमांड को बताया। मैं आपको और छोटी छोटी कमांड्स भी बताना चाहता था लेकिन सबसे पहले मेरे को बताना ही इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊं, क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के काम आती है। आपको पता होगा लास्ट क्लास में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स हमने ये किया था कि हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप कभी भी एक्सेल में कोई भी आप डेटा लिखते हैं, डेटा के मैंने तीन टाइप्स आपको बताए थे, साइज ऑफ द डेटा, टाइप ऑफ द डेटा और टो नेम ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा को अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ पर होता है, किस नाम से वो डेटा सेव है, किस तरह का टाइप है उस डेटा का या किस तरह का साइज है, ये तीन चीजें किसी भी डेटा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात और, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर इज बेसिकली नेम ऑफ द डेटा, उस टेबल का
जिसके नीचे ये 1, 2, 3, 4 लिखा है उसका नाम क्या है? सीरियल नंबर, दिस इज द नेम ऑफ द डेटा। दूसरा आता है टाइप ऑफ द डेटा। टाइप ऑफ द डेटा का मतलब है कि ये किस तरह का डेटा कंटेन करके रखा हुआ है, किस तरह के टाइप्स होते हैं। जो पॉपुलर टाइप्स हैं, सबसे पहले होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स। जैसे डेटा में आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर लिखना है आपने, अगर आप ABCD उसमें टाइप कर देंगे, दैट विल नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? आपको लगेगा वो प्रोग्राम में दिया हुआ है। अरे वो प्रोग्राम में तो दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ द डेटा, जहां पर टाइप दिया। लेकिन आप एड्रेस में लिख रहे हैं, एड्रेस अगर आप भर रहे हैं तो एड्रेस में आप नंबर भी डाल रहे हैं और कैरेक्टर भी डाल रहे हैं, वहां तो वो ले रहा है दोनों। लेकिन मोबाइल नंबर के केस में ओनली नंबर इज अलाउड। ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि डेटाबेस जो है आपका बन रहा है, या फिर जो यूजर है जो उस डेटा को यूज कर रहा है, या जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, या जो फॉर्म भरने वाला यूजर है, उसकी फॉर्म भरने में कम से कम गलती हो और डेटा को प्रोसेस करने में हमें आसानी हो। इसीलिए टाइप ऑफ द डेटा डिफाइन करना जरूरी है। जहां डेट ऑफ बर्थ लिखा है, वहां डेट ऑफ बर्थ में वो आपको एक कैलेंडर डिफाइन कर देते हैं कि आप कैलेंडर में वही स्पेसिफिक ईयर में जाएं, फिर उसी स्पेसिफिक मंथ में जाएं और उसी स्पेसिफिक डेट को कैलेंडर से आप क्लिक करें। वो आप हर एक को ये नहीं कहते कि आपकी जो डेटा है आप टाइप करके डाल दो। क्यों नहीं डालते? देयर इज अ रीजन, क्योंकि डेटाबेस में ये कंसेप्ट है कि डेटा को एंटर कराना जो है वो एक मैथड से कराया जाए, एक डेटा टाइप से कराया जाए, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि हमारे को डेटा का पहले साइज के साथ साथ हमें डेटा का टाइप, और डेटा टाइप में के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर में किस तरह का नाम होगा उस टेबल का, ये तीन चीजें हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं आपको, जैसे मैंने ये सीरियल नंबर लिखा, जब भी हम कोई अल्फाबेट्स को लिखेंगे, अल्फाबेट्स ABCD से मतलब है मेरा, नंबरिक का मतलब नंबर से है, 1 to 9 तक के, 0 to 9 तक के जितने नंबर्स हैं उसका मतलब नंबरिक से है। डेट का मतलब डेट के टाइप से है, DD MM और 4 times Y। ये 4 times Y इसलिए लिखा जाता है, जब ईयर 2000 की प्रॉब्लम आई थी तो ये 4 times Y का कंसेप्ट आया था, यानी कि 1999 के बाद जब 2000 लिखा जाना था तो लास्ट के 2 digits लिखी जाती थी। 99 तक तो ठीक था, 99 लिखा जाता था, लेकिन जब 2000 आया तो वो तो 00 लिखा जाएगा लास्ट के 2 digits। तो वहां पर ये Y2K प्रोसेस शुरू हुआ, जहां पर हमें 4 digit लास्ट के लिखनी जरूरी हुई कि 2000 पूरा लिखा आना चाहिए। तो इंडिया वाज द कंट्री हु हैज सॉल्वड दिस प्रॉब्लम, Y2K प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से डेटा की एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने टाइप बताया, उसके बाद मैंने डाटा का आपको नाम बताया, टेबल का नाम किस तरह से रखेंगे या फील्ड का नाम किस तरह से रखेंगे। अब बात करते हैं साइज ऑफ द फील्ड, किस तरह का फील्ड साइज होना चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया स्टूडेंट्स कि आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं, सीरियल नंबर जो है आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट आपके लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। नंबर्स जब आप लिखेंगे, ये देखिए नीचे नंबर है, सीरियल नंबर देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो न्यूमेरिक है, जो नंबर है 0 to 9, वो सारे के सारे राइट से शुरू हो रहे हैं। आप ध्यान से देखें कि सीरियल नंबर के नीचे नंबर्स पोजीशन पे नहीं है, सीरियल नंबर तो बिल्कुल लेफ्ट पे है और जो नंबर्स हैं वो राइट पर है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, एक बहुत अच्छा मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट है क्या चीज? अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को इस तरह से अरेंज करना ताकि वो एक ऑर्डर में आ जाए। देयर आर 4 types ऑफ अलाइनमेंट्स, पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा राइट अलाइनमेंट, तीसरा सेंटर अलाइनमेंट और चौथा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के केस में आप बच्चों समझ रहे होंगे कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से शुरू होगा, लेकिन इतने से बात नहीं बनती। टेक्स्ट लेफ्ट से तो शुरू हो रहा है, लेकिन जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो सारे के सारे शिफ्ट कहाँ होते जा रहे हैं? वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ये बताना भी जरूरी है। सब बच्चे तो लेफ्ट अलाइन के केस में तो जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि लेफ्ट अलाइन का मतलब लेफ्ट से शुरू हो रहा है,
इतने से बात नहीं बनती है। लेफ्ट अलाइन के केस में टेक्स्ट तो लेफ्ट से शुरू होगा लेकिन वो ब्लैंक स्पेसेस को राइट में शिफ्ट कर रहा है, ये बताना भी जरूरी है। अगर वो ब्लैंक स्पेसेस राइट में शिफ्ट नहीं हो रहे तो टेक्स्ट भी लेफ्ट में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये बताना भी बहुत जरूरी है। हालांकि वर्ड एमएस वर्ड में ये आता है अक्सर, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय अलाइनमेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल, ये 2 बार पेपर में आ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट हमारा शुरू कहाँ से कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ब्लैंक स्पेसेस विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड। इसी का जो उल्टा है यानी लेफ्ट का अगर आप अपोजिट करें तो राइट अलाइनमेंट, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि आप जब भी कोई नंबर लिख रहे हैं वो सारे के सारे राइट साइड से शुरू हुए थे, जो अल्फाबेट्स थे वो लेफ्ट साइड से शुरू हुए थे और जो नंबर्स थे वो सारे के सारे राइट साइड से शुरू हुए थे। तो जब हम राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट अलाइनमेंट के केस में जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में चले जाएगा। एग्जाम्पल से दोबारा करते हैं, जैसे कि ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, जैसे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ तो जो भी डेटा है, जो भी डेटा, हालांकि आपने देखा था कि नंबर्स राइट साइड से शुरू हो रहे थे और टेक्स्ट जो अल्फाबेट्स थे वो राइट साइड से शुरू हुए थे, बट व्हेन आई एम यूजिंग लेफ्ट अलाइनमेंट तो उस केस में टेक्स्ट तो लेफ्ट से शुरू हुआ लेकिन जो ब्लैंक स्पेसेस हैं दैट गोज ऑन द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट से राइट साइड में सारे शिफ्ट हो गए जिसकी वजह से टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ गया। तो आप जब भी ये आंसर लिखेंगे तो उसमें ये जरूर लिखना है आपने पहली लाइन कि लेफ्ट, इन द केस ऑफ लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट ऑल द ब्लैंक स्पेसेस विल गोज टू द राइट साइड, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो है वो है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट के केस में टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड बट ब्लैंक स्पेसेस विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, ब्लैंक स्पेसेस पूरे के पूरे आपके लेफ्ट साइड में चले गए और टेक्स्ट जो है वो पूरा का पूरा आपका राइट साइड से शुरू हुआ। हालांकि वो अल्फाबेट भी है नंबर भी है, दोनों केस में जब हमने फोर्सफुली अलाइनमेंट किया तो पूरा का पूरा चाहे वो अल्फाबेट्स है नंबर्स है वो सारे के सारे राइट से शुरू हो गए और जो ब्लैंक स्पेसेस थे वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में चले गए। सेंटर अलाइनमेंट के केस में टेक्स्ट जो है वो आपका सेंटर से तो शुरू हुआ लेकिन ब्लैंक स्पेसेस जो थे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए लेफ्ट और राइट में, जिसकी वजह से टेक्स्ट जो था वो हमारा सेंटर में आ गया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ये कंसेप्ट। और लास्ट जो इसमें होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो वर्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वर्ड में जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज होता है जहां पर आपका टेक्स्ट लेफ्ट और राइट में यूज होता है और ब्लैंक स्पेसेस कहाँ जाते हैं, ब्लैंक स्पेसेस जाते हैं बीच में, वर्ड्स के बीच में। आप इसको एमएस वर्ड में जब करेंगे तो एक छोटा सा आप 4 लाइंस का या 5 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें और ये अलाइनमेंट के चारों कंडीशंस को टेस्ट करें और उसके बाद इनके स्टेप्स लिखें कि आपने किस स्टेप में क्या देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट के अलाइनमेंट के केस में टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड बट ब्लैंक स्पेसेस विल गो ऑन द राइट साइड, इसी तरह राइट अलाइनमेंट के केस में टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड बट ब्लैंक स्पेसेस विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, सेंट्रल अलाइनमेंट इन द केस ऑफ सेंट्रल अलाइनमेंट टेक्स्ट विल गो इन द सेंटर एंड ऑल द स्पेसेस विल एडजस्ट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉक्स। जो भी आपका एरिया है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में ब्लैंक स्पेसेस एडजस्ट हो जाते हैं और टेक्स्ट को वो सेंटर में ले आते हैं। बट इन द केस ऑफ जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जो वर्ड में आपने देखना है सबसे लास्ट का ऑप्शन है उसमें, जस्टिफाइड अलाइनमेंट के केस में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में भी टच करेगा और राइट में भी टच करेगा, दोनों साइड वो दोनों कॉर्नर से जुड़ जाएगा और ब्लैंक स्पेसेस को क्या करेगा, बीच बीच के वर्ड्स में इंसर्ट कर देगा। किसी के बीच में 2 स्पेसेस आ जाएंगे, किसी के बीच में 4 स्पेसेस आ जाएंगे, किसी के बीच में 6 स्पेसेस आ जाएंगे और अगर आपका बड़ा वर्ड है तो वो लेफ्ट और राइट को तो टच करेगा, बाकी ब्लैंक स्पेसेस बीच के वर्ड्स में ज्यादा कम करके एडजस्ट करेगा। चलिए ये तो था हमारा एक तरीका। और देखिए आप जब मैंने सीरियल नंबर लिखा था तो वो आपका लेफ्ट साइड में दिखा रहा था, जब मैंने नंबर लिखे तो वो राइट साइड में दिखा रहे थे, जब मैंने इसको अरेंज किया इसको जस्टिफाइड अलाइन, इसको जब मैंने अलाइनमेंट की सेंटर, नाउ इट इज लुकिंग बेटर। तो यहाँ पर आप
ध्यान रखें कि जब भी आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप काम कर रहे हैं तो आप ये जरूर करते हैं। अब हम इसमें छोटा सा और कुछ ऐड कर देते हैं। मान लीजिए मैं बीकॉम में या मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मेरे कुछ बिजनेस मैथ्स के नंबर हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स हैं मेरे, इसी तरह से मेरे और भी कई मार्क्स हैं, मैं उन सबको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि किस तरह से काम करना है। हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं, साइबर साइबर क्राइम एंड लॉज के मार्क्स हैं, इस तरह से मेरे बहुत सारे मार्क्स दिए हुए हैं और उनका टोटल है। ये मेरी अलग अलग क्या थी, ये मैंने आपको बताया था, दीज आर फील्ड नेम्स। ये फील्ड का नाम क्यों देना जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि किस तरह का डेटा इसमें होगा। जो भी मैं लिख रहा हूं इसमें, वो सारे के सारे डेटा यहाँ पर आपको दिखाएगा। कुछ और डेटा है हमारे जिनको हम प्रोसेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको साइज देखिए बड़े आराम से, ये बच्चे आप करते हो अक्सर, इसको आप स्ट्रेच कर लेते हो क्योंकि एक सिंगल आपको करना है, सिंगल कॉलम को आपने करना है, इसलिए आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे कॉलम्स में करना है तो फॉर्मेट कमांड में जाके कॉलम की विड्थ को आप इंक्रीज कर देंगे, तो जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे के सारे कॉलम्स आपके उतनी विड्थ से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर फिर दोबारा से आप इसको असाइन कर सकते हैं। एक और इसका शॉर्टकट है, जिस कॉलम में आपने करना है उस कॉलम को आप सेलेक्ट कीजिए और उसको अलाइनमेंट कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे ये शॉर्टकट्स आपको बच्चों पता होंगे, आप इनको कर सकते हो, इसलिए मैंने इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया, ताकि आप इसको, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो कर सकते हो, अगर नहीं प्रैक्टिस में हो तो मैंने अभी बताया आप उससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जब हमने डेटा को यूज कर लिया तो हम इसका टोटल भी करना चाहते हैं, लेकिन टोटल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता था बच्चों, वो है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको बड़े बड़े डेटा में से अपना डेटा निकालना होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपको ये निकालना है कि 90% वाले बच्चे कितने थे, आपको ये निकालना है कि डेटा आपका किस तरह से था, आपको ये निकालना है ए नाम वाले कितने बच्चे हैं, आपको निकालना है कि 100% वाले कितने बच्चे हैं, आपको इस तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेटा को फिल्टर करनी पड़ती हैं। डेटा फिल्टरेशन का मतलब है उसमें से वो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। इसको हम करते हैं एक एग्जाम्पल से, और उस एग्जाम्पल को जब आप समझेंगे, आप अपने आप करेंगे, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। मैंने ये चार कॉलम्स में डेटा लिया है, एक में सीरियल नंबर लिया है, एक में मैथ्स के मार्क्स लिए हैं, एक में कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स लिए हैं और एक में साइबर क्राइम एंड लॉ के मार्क्स लिए हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब हम इनको सबको सेलेक्ट करेंगे, मैंने ये चारों के चारों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया है, मैं टोटल को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने टोटल अभी नहीं दिया है, मैं पहले उसके पहले इस एग्जाम्पल से इस कमांड को करा देता हूँ आपको, फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। आपने जाना कहा है सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड के बारे में अगर हम बताया जाए तो ये क्या करती है, टू ऑर्गेनाइज योर डेटा। दिस इज हेल्प अस इन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ऑर्गेनाइज योर डेटा सो दैट इट्स ईजियर टू एनालाइज। आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं।
लेट अस स्टार्ट विद दिस. जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, मेरे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है. पहला सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. क्या है फर्स्ट? आपको सॉर्ट या सॉर्टिंग करना है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सेकंड इसका बिल्कुल उल्टा कमांड है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में करना है. तीसरा आपको कस्टम सॉर्ट है, आपके अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं. और नेक्स्ट है इसमें फिल्टर, फिल्टरेशन करना है आपको, कोई फिल्टर कमांड लगाना है तो आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर फिल्टर भी कर सकते हैं. और अगर आपको फिल्टर हटाना है तो आपके पास ऑप्शन है क्लियर की. क्लियर का मतलब है कि वो फिल्टरेशन हट जाएगा. और दोबारा से अगर आप वही फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो री अप्लाई ऑप्शन है. क्लियर और री अप्लाई ऑप्शन आपकी तब एक्टिवेट होंगी जब आप ये फिल्टर वाला कमांड पहले यूज कर लेंगे. अभी आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर और री अप्लाई वाली आपकी ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं होंगी. आप जब अपनी स्क्रीन पर, अपने कंप्यूटर पर, जहां पर भी आप इसको, या अपने मोबाइल पर जब इसको आप ट्राई करेंगे तो यू विल फाइंड कि क्लियर और री अप्लाई की ऑप्शन आपकी एक्टिवेटेड नहीं होंगी. यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होती है, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो फिल्ट्रेशन हमारी होगी एक स्पेसिफिक फील्ड पर. हम, मैंने आपको पहले भी बताया था, सीरियल नंबर इज अ फील्ड मैथ्स के जो है, जिसके मैंने मैथ्स लिखा है. मैथ्स मार्क्स कर देता हूं मैं इसको, मार्क्स कंप्यूटर एप्लीकेशन मार्क्स, साइबर क्राइम मार्क्स, साइबर क्राइम कंप्यूटर एप्लीकेशन मार्क्स, साइबर क्राइम एंड लॉ मार्क्स. आप लोगों को एक छोटा शॉर्टकट भी बता देता हूँ. मान लीजिए मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ और मुझे इसी कॉलम में बार बार, आप देख रहे होंगे मैं कर्सर को ऊपर ले जाता हूँ. अगर आप यहाँ F2 टाइप कर देंगे तो आप सीधा एडिटिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं. F2 का मतलब होता है एडिटिंग इन द कॉलम. F2 इज अ कमांड, शॉर्टकट कमांड फॉर एडिटिंग इन ए पर्टिकुलर सेल. तो यहाँ पर बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको F2 कमांड की हेल्प से भी एडिटिंग कर सकते हैं. अब मैंने ये चारों कॉलम आपके सेलेक्ट कर लिए. चारों कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट कमांड को सेलेक्ट किया. सॉर्ट में सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. आपके पास जो सॉर्टिंग है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो आप सिंपली इसको स्मॉल टू लार्जेस्ट कर सकते हैं. जो भी आपका पहला वाला फर्स्ट आपका फील्ड है ये उसी के ऊपर सॉर्टिंग कर देगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. जो आपकी फर्स्ट फील्ड शुरू हो रही है, फर्स्ट फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? सीरियल नंबर. सीरियल नंबर इज द फर्स्ट फील्ड. आपकी डेटा सारा उसी पर सॉर्ट हो जाएगा. और मैं इसका जो रिवर्स कमांड है, बिल्कुल उल्टा कमांड है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. स्टूडेंट्स जैसे ही मैं ये कमांड आपका करता हूँ तो जो सीरियल नंबर में आप देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा था, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. अब क्या आ रहा है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब 10 वाला पहले आ रहा है, 9 उसके बाद आ रहा है, 8 उसके बाद आ रहा है. यानी ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ये तो सिंपल दो कमांड्स थी जिनको आप यूज करते हैं. तीसरा आता है फिल्ट्रेशन. जैसे ही मैं फिल्टर कमांड को सेलेक्ट करता हूँ तो यू विल फाइंड कि आपके हर फील्ड के आगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया. ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो. आपको उन ड्रॉप डाउन के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा, चाहे आप कलर वाइज करें, चाहे आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करें, आप चाह किसी भी तरह से आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप ड्रॉप डाउन में जिस तरह का भी नंबर चाहते हैं वो नंबर आपके उसी हिसाब से आएंगे. चाहे आप स्पेसिफिक एक नंबर चाहते हैं, चाहे आप अलग चाहते हैं. यहाँ तक हमने जो अभी तक किया था उसको हम ध्यान से दोबारा देख लें कि मैंने सॉर्टिंग करी दो तरह से, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो मेरा पहले ही डेटा था, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जिसमें डेटा पूरा का पूरा रिवर्स हो गया. यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बोलना बताया था कि हम डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं. मुझे सिर्फ बच्चे देखने हैं, वो वाले जिन्होंने 90% से अबव लिया हुआ है. आई वॉन्ट ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हों.
मुझे सिर्फ वही देखने हैं, ओनली दोज। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने कंप्यूटर में सिर्फ वही बच्चे देखने हैं जिनके 90% या उससे ज्यादा के मार्क्स हैं, मुझे उसी ऑर्डर में दिखाएं। यहाँ पर आप ध्यान देखिए, मैंने दो बातें बोली कि मुझे सिर्फ वही दिखाएं। यहाँ डेटा से मैं इसको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डेटा को टिक करके हटा भी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अरेंज कर रहा हूँ डेटा, पूरा का पूरा डेटा अरेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसमें से स्पेसिफिक को फिल्टर कर सकता हूँ। 99 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फिल्टर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक और छोटा तरीका है कि मैं सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन के देखना चाहता हूँ कि 90% से अबाव वाले बच्चे जिनका सीरियल नंबर कुछ भी हो, ये सीरियल नंबर आपका रोल नंबर भी हो सकता है, तो मैं उनके रोल नंबर देखना चाहता हूँ। कौन कौन से ऐसे रोल नंबर वाले या सीरियल नंबर वाले बच्चे हैं जिन्होंने 90 या 90% से अबाव मार्क्स लिए। अब मैं स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि मैं एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब मैं इस तरह स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे एक एरो साइन भी दिखाता है। ये एरो साइन का मतलब क्या है? एरो साइन का मतलब है कि आपकी इस वाली पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि वो मार्क कर देता है उस फील्ड को। अब मैथ्स के मार्क्स हैं, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, मैथ्स के जो मार्क्स हैं, मैं इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना चाहता हूँ। अब मेरा वो वाला फिल्ट्रेशन हट गया, मैथ्स मार्क्स का फिल्ट्रेशन शुरू हो गया। अब मैं हाईएस्ट वाला, देखिए आप ध्यान से देखिए कि सीरियल नंबर 196 है, सीरियल नंबर 9 जिसके सेकेंड लार्जेस्ट है, उसके बाद जो रोल नंबर या सीरियल नंबर थर्ड पे आया है, हालांकि उसका नंबर 2 है, बट ही स्कोरिंग दिस मार्क्स। तो ये सारा का सारा आप स्पेसिफिकली फिल्टर कर सकते हैं। और आपसे मैंने पहले भी बताया था, आपको बताया था, जब हम फिल्टर कमांड लगाते हैं तो फिल्टर कमांड लगाने के बाद हमारे दो मेन्यू एक्टिवेट हो जाते हैं, क्लियर और रीअप्लाई। क्लियर और रीअप्लाई, जो भी फिल्टर है वो हट जाएगा क्लियर के केस में और रीअप्लाई के केस में होगा। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मैं थर्ड वाले को, यहाँ पर मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेक करना चाहता हूँ थर्ड वाले में, तो आप देखिए साइबर क्राइम एंड लॉज में जो हाईएस्ट वाला था वो ऊपर आ गया, बाकी सारे नीचे हो गए, और इनका ऑर्डर जो था सीरियल नंबर या रोल नंबर जो दोनों में से, ये ऑर्डर भी अपने आप चेंज। तो डेटा जो है वो डेटा अपने आप, पूरा का पूरा डेटा शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अवर फिल्ट्रेशन। जो हम फिल्टर कर रहे हैं, जिस तरह से हम फिल्टर कमांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा हमारा दिखा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर कमांड पे जाएंगे। जैसे हम फिल्टर कमांड यूज करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपने आप आ जाएगा। ड्रॉप डाउन जो कमांड है उसकी हेल्प से हम अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। हम उसको सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय लार्जेस्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कुछ एलिमिनेट करना चाहते हैं, कुछ डेटा को हम हटाना चाहते हैं, तो हम वो डेटा भी हटा सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू, मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ बच्चे जो 99% वाले ही हैं, इक्वल्स टू 99। अगर मैं यहाँ 99 दे देता हूँ तो मुझे सिर्फ वो 99 वाले ही दिखाएगा और नहीं दिखाएगा। अगर मैं ग्रेटर देन 90 डालता हूँ तो मुझे ग्रेटर देन 90 वाले दिखाएगा। यहाँ देखिए ग्रेटर देन 90 अगर डालता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ग्रेटर देन 90 वाले दिखाएगा। ये मेरे कंडीशन पे बेस्ड है। आप बच्चों इसको ट्राई कर सकते हो, आपका डेटा एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आगे पढ़ रहे हैं, आपको एक्सेल के ये बेस्ट यूटिलिटी है। एक्सेल में अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं या जॉब में हैं या जहां पर भी हैं और आपको एक्सेल को लर्न करना है, तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कमांड, सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। आप अपने स्पेसिफिक डेटा वहां से एनालिसिस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर फिल्टर के केस में मैंने आपको यही बोल रहा था, क्लियर के केस में आपका वो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा फिल्ट्रेशन। इसी तरह इसमें बहुत सारी और कमांड्स हैं नंबर फिल्टर्स के साथ साथ। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का मतलब होता है बराबर हो।
आपके पास जैसे मैंने कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है, मैंने अपने डेट अपने पूरे घर में, मान लीजिए मैं कुछ बजटिंग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एप्पल्स मैंने खरीदे या फ्रूट्स मैंने खरीदे, उन पर मैंने कितना एक्सपेंस किया, इक्वल्स टू डाल के मैं उस स्पेसिफिक फ्रूट के ऊपर एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह जैसे अभी सामने एग्जाम्पल में आपने देखा, मैंने ग्रेटर देन 90% वाले बच्चे एक स्पेसिफिक में मांगे, तो मुझे वो स्पेसिफिक साइबर क्राइम एंड लॉ में 90% से अबव वाले बच्चे कौन कौन से हैं, उनके रोल नंबर क्या हैं, उनके बाकी अदर सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, मैं वो देख सकता हूँ। टॉप 10 मांग सकता हूँ, टॉप 5 मांग सकता हूँ, टॉप 3 मांग सकता हूँ। इस तरह हमारे फिल्ट्रेशन कमांड, डेटा को फिल्टर करना, फिल्टर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, डेटा को आप बेसिकली एक एक कंडीशन के साथ आप डेटा को देख रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आप डेटा के ऊपर जो जो कंडीशंस लगाकर डेटा को देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा फिल्ट्रेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किसी भी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स आपकी डेटाबेस जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड मिलती है, ना तो वर्ड में मिलेगी और ना ही आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। और ये सारी के सारी फिल्ट्रेशन जो है आपकी एक्सेल में ही अवेलेबल है। बच्चों स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताना चाहते हैं, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर एक ऐसा कमांड है जो आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक इंसर्ट कर लेता हूँ, रो इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड कॉलम्स एंड दीज आर कॉल्ड रोज। अब मैं यहाँ पर एक कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी भी एक सेल पर जाता हूँ, दिस इज वन सेल, इसको राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट दबाता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 4 ऑप्शंस कि मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट के नंबर नाम से आप वाकिफ होंगे, इंसर्ट का आपको पता होगा, इंसर्ट का मतलब है किसी चीज को इंसर्ट करना, किसी चीज को आप ऐड करना, लाना। अब आप क्या चाहते हैं, अगर आप सिंपली कोई सेल आप डालना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट सेल डाउन, सेल को नीचे डाउन कर सकते हैं। अगर आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं पूरी की पूरी रो, एंटायर रो, तो आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एंटायर कॉलम। जब आप एंटायर कॉलम या रो करेंगे तो यू विल फाइंड कि आप किस तरह की रो, जब आप कॉलम भी इस तरह से करना चाहेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको लेफ्ट में करना है इंसर्ट कॉलम, राइट में कॉलम इंसर्ट करना है। मैंने ये रो डाली, इसमें मैंने ये एक ऊपर पूरी की पूरी रो आ गई। मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। ये एक प्रैक्टिकल था जो हमने आज किया था, प्रैक्टिकल फॉर सॉर्ट, प्रैक्टिकल सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। ये प्रैक्टिकल था हमारा, प्रैक्टिकल नंबर वन, जिसमें हमने बात किया सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड। सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में हमने लिखा। आप ध्यान से देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर आपको दिखा रहा है, लेकिन इसको हम पूरे के पूरे चारों कॉलम्स के ऊपर इकट्ठा दिखा सकते हैं और इसको सेंटर में भी ला सकते हैं। अब आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें, जब मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये यहाँ से ज़्यादा नहीं हिल रहा है। दिस इज द लिमिटेशन, बिकॉज वो सेल में लिखा गया है इसलिए वो सेल से बाहर नहीं जा सकता। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कमांड होता है, हम जितने भी सेल को यूज करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, यहाँ पर हम उन सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। ये मर्ज करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी एक्सेल की कमांड होती है, मर्ज एंड सेंटर। जैसे मैं इस कमांड को मर्ज करूँगा, मैं उसको पूरे के पूरे पांच, जितने भी मैंने 1 2 3 4 ABCD, मैंने 4 सेल लिए थे, 4 अलग अलग कॉलम्स लिए थे, मैंने उनको सारों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के साथ साथ आप देखिए मर्ज में ऑप्शंस है आपकी, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, मर्ज सेंटर, ये 4 कमांड्स हैं मर्ज एंड सेंटर। पहले मर्ज कीजिए और सेंटर कर दीजिए, दूसरा मर्ज अक्रॉस, मर्ज करिए, या फिर सेल को उस जगह पर जहां आपका सबसे बड़ा मर्ज सिलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल,
एक बड़े सेल में, इसी तरह बहुत सारे सेल्स को आप मर्ज कर दीजिए या फिर अनमर्ज कर दीजिए, अनडू कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ अनमर्ज का मतलब क्या है आपका, कि अलग अलग जितने भी आपने सेल लिए थे, मैंने 4 सेल लिए, आप उनको हटाना चाहते हैं, अनमर्ज कर दीजिए। अनमर्ज सेल्स, वो सारे के सारे सेल्स अपने आप सेग्रीगेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो मर्ज एंड सेंटर कमांड बहुत अच्छा कमांड है, जिसमें हम किसी भी टॉपिक के ऊपर हम काफी कुछ, अगर हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं तो वी कैन यूज दिस। हम इसको किसी भी अच्छे कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल लिखा, प्रैक्टिकल 1 सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स टू बी अवर प्रैक्टिकल। अब ये बहुत अच्छा आपको दिखने में भी लग रहा होगा कि हमने सॉर्ट एंड मर्ज को, सॉर्ट एंड मर्ज सेंटर, जितने भी सेल्स हैं उनको हमने इकट्ठा यूज कर लिया। हमारे को यहाँ पर इसको समझना बहुत आसान है। अब बच्चों यहाँ पर हम धीरे धीरे इस कंडीशंस के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटी सी चीज मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता था, जिसके लिए मैं आपको ये सब चीजें करा रहा था। मैं अगली क्लास में आपको इसके लिए छोटा सा फंक्शन भी कराऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा हाउ वी कैन यूज फंक्शन। एक छोटा सा फंक्शन लेके मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो फंक्शन आप किस तरह से काम करें और उन फंक्शंस को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अलग अलग कामों में। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रहने वाली बात है कि आप जब ये फंक्शंस को यूज करेंगे तो वो फंक्शंस आपके 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस में से होंगे। पहला स्टेटिस्टिकल, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा मैथमेटिकल और चौथा लॉजिकल। हर एक ये 4 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस जो हैं आपके आपके सिलेबस में दिए हैं। आप सिर्फ बाकी सारे फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला फाइनेंशियल, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस। दूसरा लॉजिकल फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शंस हैं और हम किन फंक्शंस को करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी बताएंगे आपको कि जब हम इन फंक्शंस को करते हैं तो उन फंक्शंस को हम किन एग्जाम्पल्स के साथ करें, क्योंकि लर्न करना इज नॉट अ इजी थिंग। फंक्शंस को याद कर के और उन एप्लीकेशंस को याद करना इतना सिंपल नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के साथ, तो वो हमें याद भी रहते हैं और हम उनको लिख सकते हैं आराम से। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम उसका एग्जाम्पल साथ में ज़रूर लिखेंगे। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है एग्जाम्पल लिखने का, सबसे बड़ा फायदा एग्जाम्पल लिखने का ये होता है कि जब हम कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं तो एग्जाम्पल को लिखने के बाद हम उस एग्जाम्पल में से बहुत कुछ अपने उस फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस को आराम से लिख सकते हैं। अब बात कर रहा था फाइनेंशियल फंक्शन के साथ साथ लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में इफ फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फंक्शन है। इसको हम किसी ऐसे प्रैक्टिकल के साथ करेंगे ताकि हमारी फंक्शन की तैयारी बड़े आराम से हो जाए। साथ ही साथ हमारे पास और 2 फंक्शंस है, पहला मैथमेटिकल है और लास्ट है इसमें हमारे पास स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल फंक्शन जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन है, ये वाले फंक्शन हमारे सारे सिलेबस में है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम ये सारे फंक्शंस करेंगे तो हम अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ करेंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी फंक्शंस हमने अभी तक किए हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो है हमारे सिलेबस में, उसमें से कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ ऑल दोज फंक्शंस। मैं आपको वो सारे फंक्शंस की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी ही, ताकि आप उन फंक्शंस को प्रैक्टिस कर सके। किसी भी फंक्शन के बारे में जो भी हमने अभी तक पढ़ा है और जितना भी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हम फंक्शंस को साथ साथ करते रहेंगे, ताकि आप आराम से उन फंक्शंस को अपने अलग अलग प्रैक्टिकल्स में उसको यूज कर सकें। आज की क्लास के लिए मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल 1 आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिकल 1 में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड्स को लेकर अगर कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में उसको मुझे बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स
मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शंस हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में 30 मार्क्स के हैं, जो कि 40% ऑफ द सिलेबस है, पूरे सिलेबस का 40% है। तो पासिंग मार्क्स जो है वो इसी दो टॉपिक से आराम से आपके हो जाएंगे, बाकी आप जितना ज़्यादा करेंगे यू विल गेट मोर स्कोर, आपका बहुत ज़्यादा उसी से स्कोर बढ़ता जाएगा। विद दिस नोट मैं आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।